हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज हमारे पास रियलमी C3 हैंडसेट है और ये अभी डेड कंडीशन में आया है। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया आपको कैसे इसको रिकवर किया है हमने। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं DC से ऑटो एम्पियर कोई भी यहाँ पे नहीं ले रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं DC से कनेक्ट करने के बाद। और पावर की जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हाई बूटिंग ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम DC से कनेक्ट कर दिया है, अभी तक कोई भी एम्पियर नहीं लिया है इसमें, कुछ भी ऑटो रीडिंग नहीं लिया है। और जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं पावर की प्रेस करने के बाद में 318 330 ऐसे यहाँ पे जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर की रिलीज़ करने के बाद। देख सकते हैं पावर की प्रेस करने पर 32 33 यहाँ तक जा रहा है, अगर आप कोरोड मशीन से देखें। और इसमें आप देखें तो 320 323 तक जाके ये वापस से पावर की जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे ये ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग होती है। तो इस तरह का हाई बूटिंग उठाता है आपके DC मशीन में जब आप चेक करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बताया स्टेप बाय स्टेप चेक करके कैसे इस फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट आता है तो आप उसे ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले PCB में हम कूल टेस्टिंग करेंगे और सारे जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स है सारे ICU के आसपास चेक करेंगे कहीं पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग होती है। अगर आपके पावर के आउटपुट है या फिर आप कोई भी IC है, जितने भी सेक्शन है उस सेक्शन के जितनी भी ICU होती हैं उसके आउटपुट में अगर से शॉर्टिंग होती है तो इस तरह से यहाँ पर हाई बूटिंग लेता है। सबसे पहले VBAT पर हम चेक कर रहे हैं, ये देख सकते हैं 515 के आसपास रीडिंग आ रही है। और रिवर्स बायस में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सनशाइन में आपको ऑयल लिख कर आता है, यहाँ पे रिवर्स में कोई भी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जितने भी कैप्स हैं ये बक लाइन वगैरह या फिर पावर के आसपास में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सारे के सारे आपको कूल टेस्ट करके चेक करना है, कोई भी लाइन यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कैपेसिटर्स हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास भी अगर कोई हैंडसेट आता है इस तरह से चेकिंग करिए आप, अगर वो हाई बूटिंग लेता है आपको और उसके बाद एम्पियर पूरा ज़ीरो हो जाते हैं तो आपको इस तरह से चेकिंग करनी है। सारे कंपोनेंट जितने भी पैरेलल कंपोनेंट से चेक करना है। इस वीडियो में सबसे पहले हमने इसकी शॉर्टिंग हटाई है, उसके बाद फिर हमने DC से स्विचिंग में चेक किया तो उसमें MMC का भी फॉल्ट मिला। उसके बाद हमने MMC जो देखे पूरी टोटल MMC इसका डेड कंडीशन में था और तो उसको हमने MMC चेंज भी किया है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेंथी है, बड़ा वीडियो है, बट आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा इससे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट सारे ICU के आसपास है सबको आपको चेक करना है, कोई भी कैपेसिटर वगैरह यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आपको सीखना है ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच हमारा 27 मई से है, अगर आप चाहे तो उसमें सीट अपनी बुक करा सकते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप चाहे तो व्हाट्सएप पे डिटेल ले लीजिए कोर्स का, और आपको इस तरह से सीखना है तो आप आकर के सीख सकते हैं। आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC प्रोग्रामिंग तीनों चीज़ आपको सिखाई जाएगी। यहाँ पे अभी तक तो कोई लाइन हमको शॉर्ट नहीं मिली है, जैसा आप देख सकते हैं ये कूल टेस्टिंग में हम कर रहे हैं। और मल्टीमीटर को बजर में रख के चेक करना है और PCB के बैक साइड को देख रहे हैं, यहाँ तो हमको कुछ नहीं मिला। चलिए इस साइड में शील्ड लगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं CPU और MMC के पास, तो इस शील्ड को भी रिमूव करेंगे क्योंकि इसके आसपास भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी लाइनें आती हैं CPU और MMC के पास, तो उन लाइनों के पास भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी चेक करना होता है। तो सबसे पहले ये शील्ड को रिमूव कर लेते हैं CPU और MMC के पास और उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर कोई लाइन हमको शॉर्ट मिलती है क्या। तो सबसे पहले PCB होल्डर में हम मदरबोर्ड को फिट कर लेते हैं और CPU और MMC के पास में जो पतरा होता है जो शील्ड होती है उसको रिमूव करते हैं और उसके बाद फिर से कूल टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि कहीं कोई लाइन CPU और MMC के पास शॉर्ट तो नहीं है। दोस्तों जितने भी वीडियो हम बनाते हैं सारे के सारे जेन्युइन होते हैं, कोई भी फेक वीडियो यहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव हम आपके सामने ट्रेस कर रहे हैं, सारा शील्ड वगैरह लगा हुआ है, पहले से कोई काम इसमें करके हमने नहीं रखा है। आप देख सकते हैं ये जितने भी स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप हीट रेजिस्टेंट टेप लग के है, शील्ड लग के है। तो ये हैंडसेट जो है मीडियाटेक चिपसेट वाला CPU है इसमें।
6760V। तो सबसे पहले थोड़ा सा हीट कर देंगे और इस शील्ड को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। सीपीयू और ईएमसी के पास जो पत्रा है उसको रिमूव करना है, ताकि आसपास में जो पैरेलल में कंपोनेंट है उन लाइनों को चेक करना है, क्योंकि इस साइड में बी साइड में तो हमको कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं मिली, कोई भी एक कंपोनेंट हमको शॉर्ट नहीं मिला। तो अब ए साइड जो सीपीयू का साइड है यहाँ पे भी हमको चेक करना है, जितने भी शील्ड्स है सारे रिमूव करना है। कोई भी एक कॉम्पोनेंट शॉर्ट हो सकता है, कहीं पर भी पानी गया हो तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। चलिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमको कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी ओके है। इसके बाद सीपीयू और ईएमसी के पास का भी पत्रा निकाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये शील्ड लगकर है यहाँ पे, इसमें पहले से कोई काम किया गया नहीं है। इसमें फॉल्ट प्रिंट आपके पास ऐसा भी आ सकता है, हार्डवेयर का भी फॉल्ट हो सकता है और सॉफ्टवेयर का भी फॉल्ट एक हैंडसेट में आ सकता है। बट आपको यही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये जान सकते हैं कि इस हैंडसेट में हार्डवेयर में क्या फॉल्ट है और सॉफ्टवेयर में क्या फॉल्ट है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीपीयू और ईएमसी के पास से पत्रा हम निकाल रहे हैं। बोर्ड पे सीपीयू वगैरह पे नंबर्स लिख के आप देख सकते हैं, ईएमसी पे नंबर लिख के देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर हम फेक वीडियो नहीं बनाते, जेन्युइन वीडियो होता है जो भी होता है हमारे यहाँ पर। ये पत्रा निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग करके चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई कॉम्पोनेंट शॉर्ट तो नहीं मिलता है, तो फिर उस शॉर्टिंग को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद डीसी से कनेक्ट करके चेक करेंगे, अगर सेट ऑन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको सीपीयू पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ईएमसी सही है कि नहीं है चेक करना होता है आपको। तो इसमें ईएमसी को निकाल के भी हमने काम किया है और ईएमसी को जब चेक किए हैं तो ईएमसी भी डेड कंडीशन में हमको मिला। तो इसमें हमने ईएमसी भी चेंज प्रोसेस किया है। MT6769V इसका सीपीयू है, ये मीडियाटेक चिपसेट है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बैच 27 मई से है, अगर आप चाहे तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं। इस तरह से एक प्रॉपर वे में अगर आपको काम सीखना है, 20 डेज का क्लास में आपका हैंड स्किल प्लस सर्किट डायग्राम की आपका पूरी भरपूर नॉलेज आपको देंगे, जिसमें आप इजीली हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं। ब्लैक पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो या डुअल डेकर हो, कोई भी हैंडसेट हो ईजी वे में आप बना सकते हैं। सीपीयू और ईएमसी के आसपास जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे आपको चेक करनी हैं, कहीं पे भी शॉर्टिंग होती है या कहीं लीकेज है या कोई कैप शॉर्ट है तो उसको हमको रिमूव करना है। और उसके बाद डीसी से वापस से चेक करना है कि हमारी स्विचिंग में कोई चेंजेस आया कि नहीं आया। उसके बाद अगर सीपीयू आपका पोर्ट बनाता है तो आपको ईएमसी पे वर्क करना होता है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, जो कि आपको क्लास में सिखाया जाता है। अगर आपके पास ऐसे हैंडसेट से जो आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लास में ला सकते हैं, जो कि आप लाइव रिपेयर कर सकते हैं क्लास में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो देख रहे हैं आप, ये एलडीओ के पास हमको शॉर्टिंग मिल रही है इस कैपेसिटर पे। ये देख सकते हैं, हम मल्टीमीटर में बताने की कोशिश किया हूँ मैं आपको, दोनों साइड आपको बजर आ रहा है इस एलडीओ वाली लाइन में। ठीक है, यहाँ पे तो एक शॉर्टिंग मिली हमको, देखते हैं ये लाइन क्या है। अगर आपके पास डायग्राम है इसका तो आप ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है। ये जो एलडीओ के बाजू में जो कैपेसिटर दिखा आपको फ्रेंड्स, हो सकता है वाटर डैमेज की वजह से वो खुद कैप शॉर्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कैपेसिटर हमको शॉर्ट मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। तो ईएमसी के पास में भी एक कैपेसिटर है जो कि शॉर्ट है, हो सकता है इस कैपेसिटर की ही वजह से यह हैंडसेट हाई बूटिंग में जा रहा था और अबनॉर्मल डीसी में रीडिंग शो कर रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम देखते हैं, सारे कंपोनेंट चेक कर लेने हैं ताकि रैम और रोम दोनों के साइड कौन से साइड शॉर्टिंग है ये आप इजीली मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें शॉर्टिंग आपको बताएँगे कहाँ पर हीट हो रहा है, वाइट रोजन लगाएंगे, लगा कर आपको बताएँगे कहाँ पर हीट हो रहा है। बहुत इजीली आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। इस तरह का हैंडसेट आपके पास आता है तो आप बहुत इजीली उसे रिपेयर कर सकते हैं।
जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं MMC और CPA के पास में हमने यहाँ पे वाइट रोजन यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक वो कुछ वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करके चेक करेंगे कहाँ पे हीटिंग हो रही है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पतरा हमने रिमूव कर दिया। इस LDO के पास हमको एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला और एक MMC के पास शॉर्ट मिला। अगर आपके पास डायग्राम है तो आप उस लाइन का भी नाम जान सकते हैं कि ये कौन सी लाइन में यहाँ पर शॉर्टिंग है। फ्रेंड्स यहाँ पे LDO भी शॉर्ट हो सकता है या फिर MMC पे भी कोई किसी ने हीट मारी हो या फिर MMC में भी शॉर्टिंग हो सकती है या फिर कोई ना कोई एक पैरेलल का कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे DC से कुछ वोल्टेज हम इसमें इंजेक्ट करेंगे और उस लाइन में शॉर्टिंग कहाँ पे हीटिंग हो रहा है ये आपको हम बताएंगे। उसके फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट रोजन हमने लगा लिया है और जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे MMC के पास नीचे एक कैपेसिटर के पास यहाँ पे हीटिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर हीट हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये फुल शॉर्ट हो चुका है। इस कारण यहाँ पे इस लाइन में हमको शॉर्टिंग मिल रही है और यही वजह है जिसके कारण हाई वोल्टिंग ले रहा है और उसके बाद हमारा जो एम्पियर है वो डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर हम आपको निकालेंगे और निकाल के इसको चेक करके बताएंगे। ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट हो चुका है यहाँ पे और इस कारण ही यहाँ पे इस लाइन में शॉर्टिंग आ रही है। एक दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और हम जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं ऊपर LDO के पास वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं LDO के आउटपुट में क्योंकि वही लाइन यहाँ पर आ रही है जिसमें आपको 1.8 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेंगे। LDO के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं LDO ऊपर यहाँ पे भी हमको शॉर्टिंग मिल रही थी इस कैप पे LDO के पास और वहाँ पे जैसे हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे MMC के पास ये जो कैपेसिटर है वो हमारा हीट हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताने की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है एक तरीका होता है सीखने का काम को जो फॉल्ट है फाइंड आउट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट हो चुके हैं दोनों कैप। इसमें जो पहले वाला कैपेसिटर है ये सबसे पहले हीट हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और इस कैपेसिटर को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके चेक करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारा जो फॉल्ट था ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये शॉर्टिंग निकालने के बाद हमारा जो DC से एम्पियर है वो तो नॉर्मल हो चुका है फ्रेंड्स लेकिन इसके बाद भी इसमें MMC का फॉल्ट था जो कि हमने DC से ही पकड़ा है MMC के फॉल्ट को। उसके बाद इसकी IC हमने निकाली है BGA 254। इसमें MMCP आती है उसको निकाल के हमने UFI से कनेक्ट करके प्रोग्राम करके पूरा प्रोसेस आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिल्कुल स्किप मत करिए और वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें शेयर करें नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें और किन टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर हमने रिमूव कर लिया है यहाँ पे क्योंकि इसमें ब्लैक पेस्टेड MMC और CPU होता है तो यहाँ पे आयरन से ही हमने इसको रिमूव कर लिया है और इसको चेक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट हो चुका है पूरी तरह से और लाइन में भी हमारा जो फॉल्ट था वो हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है। एक बार कूल टेस्टिंग करके आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर जो हमारा पहले बजर आ रहा था इस लाइन में अभी यहाँ पे हमारे GR जो वैल्यू है वो हमारा रेजिस्टेंस आ चुका है यानी हमारा जो फॉल्ट है वो दूर हो चुका है। चलिए यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर लेते हैं और कूल टेस्टिंग करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कैपेसिटर देखिए आप बजर आ रहा है इसमें ठीक है। इस कैपेसिटर को हटा देते हैं और यहाँ पे जो LDO के पास शॉर्टिंग आ रही थी यहाँ देख सकते हैं आप कूल टेस्टिंग करके चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमको जो पहले यहाँ पे बजर आ रहा था अभी यहाँ पे वैल्यू आ गई। एक बार DC से भी कनेक्ट कर लेते हैं। DC से कनेक्ट करके चेक कर लेंगे कि जो हमारा एम्पियर हाई ले रहा था वो नॉर्मल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। देखिए डिस्प्ले में मैंने PCB को फिट कर लिया है और भी DC से कनेक्ट करके चेक करेंगे कि अभी भी वैसे ही हाई एम्पियर ले रहा है कि नॉर्मल बूटिंग ले रहा है।
वीडियो में कोशिश की है एक केस स्टडी आपको बताने की। शायद यूट्यूब पे इस तरह से पहली बार किसी ने पूरा फुल प्रोसेस आपको बताया है। फोनफिक्स हैदराबाद के वीडियोज़ के लिस्ट में जाइए आप यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे आपको सोल्यूशंस के वीडियोज़ देखने मिलेंगे। इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे, DSO, सिग्नल लाइन और वोल्टेज मेजरमेंट कहाँ कहाँ करना है, CPU का फॉल्ट कैसे जाने, पावर IC सही है कि नहीं है कैसे जाने, CPU सही है कि नहीं है ये कैसे जाने, MMC सही है कि नहीं है ये कैसे जाने, चार्जिंग IC आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, शॉर्टिंग है, लीकेज है, डेड कंडीशन है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वापस से DC से कनेक्ट कर दिया है हमने और कोशिश की है आपको बताने की। यहाँ पर हमारा हैंडसेट जो है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो हमारा DC से हाई एम्पियर ले रहा था अभी कोई एम्पियर नहीं ले रहा है, नॉर्मल बूटिंग हो चुकी है हमारी। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है अभी यहाँ पे MMC का फॉल्ट इसमें है, चूँकि हमने यहाँ पे DC से फाइंड आउट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप 870 पे जाके यहाँ पे स्टक हो रहा है। CPU हमारा यहाँ पे इसका सही है बट MMC का इसमें फॉल्ट है, तो अभी हम MMC को भी खोलेंगे, उसके बाद क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे UFI में लगा के। और ये MMC हमको डेड मिली है इसमें, क्योंकि BGA 254 जो है बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है, तो उसमें हमने MMC चेंज प्रोसेस भी किया है। MediaTek CPU है और हैंडसेट को पूरा ऑन करके बताया है विथ सिक्योरिटी के साथ। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, MMC हमने खोल के क्लीन करके रिबॉल कर लिया है और UFI बॉक्स में हम इसको लगाएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए। कुछ शो नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ बताएगा आपको, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे CMD फेल हो जा रहा है, इसका एरर आ रहा है, CMD 1 एरर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे MMC में कोई इशू होगा। तो यहाँ पे 1.8 VCC की ओर रख के एक बार देख लेंगे, फिर से आइडेंटिफाई करेंगे एक बार। तो यहाँ पे IC अभी भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, MMC शायद हमारा डेड हो सकता है, इसके कारण भी ये हो सकता है इशू। एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम MMC को। तो यहाँ पे वेट करेंगे फिर से। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये फिर से कनेक्ट करने के बाद भी नहीं हो रहा है डिटेक्ट, तो मैं यहाँ पे ये टूल से ट्राई कर दिया UFI से, एक बार मैं EasyZTAC से ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है मेरे EasyZTAC के बॉक्स में डिटेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं EasyZTAC प्लस का बॉक्स कनेक्ट करके एक बार मैं ये इसमें ट्राई करके एक बार देख लेता हूँ, मैं ये IC इसमें डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ ओपन टूल कर लेंगे, यहाँ पे EasyZTAC प्लस का टूल ओपन कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो गया और मैं यहाँ पे वोल्टेज को 1.8 पे रख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी को 21 मेगाहर्ट्ज़ पे रख लेता हूँ। बाकी जो ई सॉकेट, जैसे कि मेरा ई सॉकेट से कनेक्ट है तो मैं ई सॉकेट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे चेक EMMC UFS पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे EMMC डिटेक्ट कर दिया है EasyTech का बॉक्स ने, UFI का बॉक्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा SK Hynix का EMMCP लगा हुआ है जो कि मेरा 58 GB, यहाँ पे मतलब 64 GB का स्टोरेज है और यहाँ पे 0x48 का इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये IC तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन एक बार हेल्थ चेक करके एक बार इसका देख लेंगे, इसका हेल्थ कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SLC को नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसी के कारण EMMC हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ये इस कंडीशन में आपका फोन एक तो बूट पे रहता है या फिर एक तो ऑटो पोर्ट बनाता है। तो यहाँ पे सिर्फ EMMC डिटेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते EMMC। तो इसकी कॉम्पेटिबल EMMC हमें लेना पड़ेगा और इसको EMMC चेंज का प्रोसेस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, इसका बैकअप लेके दूसरे EMMC में हम इसका सिक्योरिटी बैकअप डाल सकते हैं, तो ये हमें आसानी होगा इसमें। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास भी कभी कोई ऐसा फोन आ जाए जिसका EMMC रीड हो रहा है और EMMC डेड है, मतलब काम की नहीं है, तो आप उसका बैकअप, सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं और उसको दूसरे EMMC में डाल के फोन ऑन कर सकते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे देखने मिल गया नॉट डिफाइंड मिल गया हमें, बट ये हमारा EMMC डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं इससे बैकअप ले सकता हूँ। सबसे पहले तो बैकअप लेने के लिए सिक्योरिटी फाइल्स के लिए मैं ये टूल में तो नहीं ले सकता हूँ, तो मैं आता हूँ EasyTech+2 में और यहाँ से मैं इसका पिंग फाइल सिक्योरिटी बैकअप ले लूंगा। यहाँ से आपको लाइव आपके सामने देखने मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे EasyTech+2 का भी टूल हमारा ओपन हो गया और मैं यहाँ पे सारे सिस्टम ऑलरेडी सेट किया हूँ, मैं इसे सिंपली कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे भी फोन IC डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे वेंडर में देखेंगे हमारे पार्टीशंस आ जाएंगे या नहीं आता है, एक बार देख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे सारे पार्टीशंस डिटेक्ट होने लग गए और यहाँ पे भी हमारा पार्टीशन शो हो गया। तो आती है यहाँ पे बात अब सिक्योरिटी फाइल्स की, जो हम यहाँ पे एक वन बाय वन सारे को टिक लगाएंगे और यहाँ पे हम जितने भी आपको पिंक कलर के दिखेंगे हम उस सारे को रीड करके रखेंगे, क्योंकि ये हमारा सिक्योरिटी फाइल्स होता है। तो हम ये दूसरे IC में डाल देंगे सारा पिंक फाइल लेके और देखेंगे और नीचे है क्या पिंक फाइल्स। यहाँ पे भी ओप्पो प्रोडक्ट, ओप्पो इंजीनियरिंग, ठीक है यहाँ पे हमारा इतना ही है और हम इसे यहाँ से रीड कर लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे फोल्डर बता रहा है कि कहाँ पे आपको रखना है। तो मैं सिंपली इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। और मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ, जैसे कि मेरा Realme C3 बेसबैंड फाइल, ऐसे मैं नाम से एक उसको फोल्डर बना के मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। द सिस्टम के नॉट फाइंड द पाथ, इंतजार है।
तो जैसे कि यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी फाइल्स बैकअप हो रहा है, तो ये सारे वन बाय वन करके एक एक करके फाइल इसका बैकअप करेगा सिक्योरिटी फाइल्स, और ये हम लास्ट में इसको राइट करेंगे दूसरी MMC के अंदर। तो ये हमारा बहुत मेन चीज़ होता है पार्टीशंस, जो कि हम अगर नहीं लेंगे तो आप फ़ोन तो ऑन करेंगे लेकिन IMEI की परेशानी, आपको IMEI में प्रॉब्लम आ जाएगा, आप उसको राइट नहीं कर पाते, ये सारे चीज़ें दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले आप सेफ साइड में काम किया करो, सिक्योरिटी फाइल्स को बैकअप करो। यहाँ पे ऑल डन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ Realme C3 बेसबैंड फाइल आप देख सकते हैं, सारे फाइल्स मेरे बैकअप हो गई है। तो अब हम इसमें MMC इसकी कॉम्पिटिबल कैसी हम देखना है, हम वो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा IC तो डिटेक्ट कर लिया था लेकिन कॉम्पिटिबल अब देखेंगे, सबसे पहले इसका कॉम्पिटिबल कैसे देखना है। तो जैसे कि आपको पता होगा IC के हर एक IC के ऊपर एक पार्ट नेम होता है, जैसे कि SK हाइनिक्स के ऊपर H9TQ इस तरह से नाम आता है। तो हम कॉम्पिटिबल भी इसी तरह से हम IC को लेंगे और आएंगे हम फोन माइक्रो DB में। तो यहाँ पे मैं ID को लॉगिन कर लेता हूँ, मैं ये फोन माइक्रो DB के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको लॉगिन करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट में टूल रन करना है, 60 डेज के लिए रन होता है ये, तो मैं इसके ऊपर एक भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमें मॉडल के हिसाब से अगर देखेंगे तो मॉडल में आपको Realme C3 नहीं मिलेगा देखने में, यहाँ पे Realme का फोल्डर और Realme C3 के सीरीज में देख लो C2 और C21। तो यहाँ पे हमें MMC चेंज करने के लिए यहाँ से पता नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे बाय माइक्रोचिप, और माइक्रोचिप के अंदर जैसे कि मेरा IC का नंबर है, मैं आपको एक बार नंबर बता देता हूँ तो हम उसे कॉम्पिटेबल देखेंगे। तो ये SK हाइनिक्स का IC है और ये H सीरीज से स्टार्ट होता है, तो H पे मैं क्लिक कर देता हूँ, H पे आ जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे H वाले सारे सीरीज आ गए और मैं पूरा प्रोडक्ट नेम देखूंगा इसका सीरीज क्या है। तो यहाँ पे हमारा सीरीज है H9 HP 58। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा है मुझे। H9 HP 53 AC, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये सीरीज यहाँ पे देखने मिलेगा, H9 HP 53 ACPMMDAR। तो जैसे कि मेरी यहाँ पे EMMC मिल गई है, जैसे कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे IC का डिटेल्स ले सकते हैं कि 4 GB का RAM, 64 GB का स्टोरेज और LPDDR4X लगा हुआ है, ये EMMC वर्जन 5.1 है, BGA 254 का बॉल का IC है और यहाँ पे SK हाइनिक्स लिख के है जैसे कि आप पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉम्पेटिबल में आप देख सकते हैं कि कौन सा मुझे इसकी जगह पे लगा सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे इतने IC में आप लगा सकते हैं। मेरे पास अभी ये IC है जो कि BGA 254 का B422 ये नंबर का मेरे पास IC है, तो मैं ये MMC आपके सामने IC लगा के इसको प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा। तो मेरे पास जैसे कि IC का नंबर है KMDH6001DAB422। तो ये IC मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पे डिटेक्ट करके आपके सामने ये सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ वापस से EasyZ Hack का टूल, मैं ओपन कर लूंगा EasyZ Hack और यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे टूल ओपन हो गया। एक बार मैं IC को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने,
जैसा कि मेरा यहाँ पे एक आईसी डिटेक हो गया है सैमसंग का, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप सैमसंग का एमएमसी लग के, और यहाँ पे आरपीएम भी मेरा क्लीन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं आरपीएम भी ऑलरेडी इसका क्लीन करके लगा दिया हूँ, और ये एमएमसी मेरी कॉम्पेटिबल होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा करना क्या है। सबसे पहले मुझे इसमें करना है एक डंप राइट, जो कि मेरे पास एक इसका डंप है रियलमी C3 का, तो यहाँ पे मेरे पास डंप है और मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके आपको ये डंप राइट करके बताऊंगा। सबसे पहले तो ये डंप आपको कहाँ से लेना है, ये जैसा कि यहाँ पे gumiroam.com का वेबसाइट है जो कि पेड वेबसाइट है, आपको अगर प्रॉपरली वर्क करना है तो आपको फ्री के फाइल फ्री की लिंक नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपरली अगर वर्क करना है तो आप पेड वेबसाइट से ही काम किया करें। या फिर सारे स्टूडेंट बोलते सर कोई लिंक होंगी तो दे दो, कोई फ्री का लिंक होगा, तो फ्री का लिंक में अगर आप काम करोगे तो फ्री के चक्कर में पड़ने से काम आपका नहीं होता। आप जितना हो सके आप प्रॉपर वे में काम करो और पेड वेबसाइट से काम किया करो। तो यहाँ पे हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर एरिया और exe/cxd मेरे पास यहाँ पे आ गया है सारा कुछ। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ ये डंप को राइट। तो डंप को राइट करने के लिए मैं वापस ये टूल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट ऑल एमएमसी रीजन्स पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा ये क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अनटिक होने के बाद हाइड हो गया, और जैसे टिक लगाता हूँ तो ये सारा आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे कि ROM1 है और यहाँ पे जो फाइल देखने में मिलेगा ये आपका UEFI वाला फाइल है, जैसे कि boot1 boot2 exe/cxd यूजर एरिया। तो इजी अटैक में ROM1 ROM2 ROM3 और exe/cxd होता है। तो जैसे कि यूजर एरिया मेरा ROM1 है, boot1 मेरा ROM2 है, boot2 और मेरा ROM3 होता है। तो ये सारे चीजें हमें अंदर अपने अपने फोल्डर में फाइल सेलेक्ट कर लेंगे हम। तो मैं आता हूँ रियलमी, उसके बाद रियलमी C3 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, डंप आ जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास जैसे कि ROM1 में सेलेक्ट किया तो यूजर एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, और ROM2 पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा boot1 को, ROM3 पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा boot2 को, और यहाँ पे exe/cxd को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि मेरा लास्ट है। तो यहाँ पे सारे फाइल सिलेक्ट हो गए और मैं यहाँ पे सिंपली राइट ऑल रोम्स कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मेरा डम राइट होने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। कुछ तो एरर हुआ है यहाँ पे, टू मेनी एरर्स राइटिंग हैज बीन स्टॉप लिख के आ गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ एरर आया है। फिर से एक बार आईडी को आइडेंटिफाई कर लेता हूं एक बार। कुछ तो एरर है इस पार्टीशन में। जैसे कि यहां पे मैंने वोल्टेज को 1.8 करके सिलेक्ट किया तो यहां पे एरर हट गया। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज को भी रखने से भी कुछ ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पे अभी एरर नहीं आया है। और मैं यहाँ पे सिंपली ये राइट कर लेता हूँ रोम्स को, तो देखेंगे यहाँ पे कोई एरर आता है या नहीं आता है। अभी भी एरर आ रहा है बट देखते हैं, डंप तो राइट हो रहा है। यहाँ पे डंप राइट हो गया, एक बार वापस से चेक लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा पार्टीशन सारा कुछ आ गया है इसमें, जो कि डंप था जो 32 MB का जो डंप था उसमें ये आ गया है। अब मैं सिंपली इसे कर लूंगा फ्लैश। तो फ्लैश करने के लिए इसकी एक फ्लैश फाइल होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी फ्लैश फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे RMX 2020 का फाइल है मेरे पास,
और यहाँ पे OFP फाइल में आता है, तो मैंने ऑलरेडी इसको एक टूल से एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे मैं इसकी फाइल एक्सट्रैक्ट करके रख लिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी मेरे पास फ्लैश फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखी है। तो मैं अब इसको ये फ्लैश फाइल से फ्लैश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा राइट बाय विंडो में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मीडियाटेक, जो मेरा मीडियाटेक का फोन है, और यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पे आऊंगा और यहाँ पे रियलमी C3, जैसे कि यहाँ पे C3 देखने में, और यहाँ पे मेरा मीडियाटेक की स्कैटर फाइल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सारे मेरे, आप देख सकते हैं सारे पार्टीशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो ये मैं सारे पार्टीशन, ये मेरी क्रिटिकल पार्टीशन होती है, या मेरी फ्लैश फाइल होती है। जो मेरा रेड वाला है ये मेरा सिक्योरिटी फाइल है, जो कि मैं पहले आपको IC में लेके बताया था बैकअप, हम वो लास्ट में उसको राइट करेंगे वो सारी चीजें को। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लैश ये फाइल से, तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी फाइल को फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। काम करते हैं यहाँ पे, ये UFI का बहुत इजी अटैक में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसे फ्लैश करता हूँ UFI के टूल से। इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये टूल क्लोज करके UFI के टूल से फ्लैश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरर से मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम देगा फ्लैशिंग ऑन होने में फोन। तो यहाँ पे मेरा टूल ओपन हो गया UFI का MMC टूल बॉक्स, और यहाँ पे मैं आईडेंटिफाई MMC कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे एक बार MMC फैक्ट्री रिसेट कर लेता हूँ। उसके बाद से आइडेंटिफाई करके मैं वापस से उसका एक डम्प डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा डम्प है, जैसे कि मेरा यहाँ पे डम्प, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये फिर से डम्प यहाँ पे राइट करूंगा। तो मेरा यहाँ पे मेन है EXT CXD, तो सबसे पहले मैं डालूंगा EXT CXD, उसके बाद डालूंगा यूजर एरिया, और उसके बाद डालूंगा boot1, उसके बाद हमारा है boot2। तो ये हमारे फाइल्स में आ गए सब अपने पे। और मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे और भी MMC हम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे EXT CXD राइट करते ही आपको यहाँ पे MMC के और बता सकता है कौन से MMC और लगेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ राइट, तो जैसे कि यहाँ पे विदाउट एनी एरर यहाँ पे ये डम्प राइट किया है। और मैं यहाँ से फिर से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ,
यहाँ पे मेरा बूट कॉन्फ़िगरेशन 0x48 हो गया और मैं अब करूँगा इसको फ्लैशिंग। तो मैं आ जाता हूँ फैक्ट्री इमेज में और यहाँ पे मैं लेता हूँ मेगाटेक का और मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा फ्लैश फाइल डेस्कटॉप पे रखा हुआ है एक्सट्रैक्ट करके, तो मैं यहाँ से फ्लैश कर लेता हूँ मीडियाटेक का चिपसेट। मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे फाइल को लोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ रिपार्टीशन एंड करूँगा यहाँ पे फ्लैश। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि दोनों बॉक्स आपको बहुत जरूरी है रखना, जैसे कि ये UEFI के अंदर पहले जो उसका पुराना IC था वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जैसे कि उसका सिक्योरिटी बैकअप मैं करना चाह रहा था लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे मेरा EasyZX बॉक्स ने उसका IC डिटेक्ट करके उसका बैकअप कर लिया सिक्योरिटी फाइल्स का। लेकिन वहां पे भी जैसे कि दूसरा MMC में कॉम्पेटेबल लेके जब मैं राइट कर रहा हूँ तो कोई ना कोई एरर आने लगा था। तो मैं वही सारी चीजें अब मैं UEFI से कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि आपको दोनों बॉक्स में भी आपको रखना होता है। एक बॉक्स के अंदर एक प्रॉब्लम अगर आता है तो दूसरे बॉक्स में वो क्लियर हो जाता है। तो ये सारे आपके सामने लाइव देखने मिला है कि ये एक बॉक्स में कैसे काम कर रहा है, दूसरे बॉक्स में कैसे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारे चीजें मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। तो आप ऐसे ही वीडियो पे बने रहना, आपको यहाँ पे मैं पूरा फ्लैश करके फोन को ऑन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक आप देखें। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग करूंगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग पूरा तरह से यहाँ पे डन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डन लिख किया गया और मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एक बार IC को। तो आपको यहाँ पे पार्टीशन शो तो नहीं करेगा लेकिन आप इतना कंफर्म कर लेना कि ये अनइनक्रिप्टेड लिख के है, तो मतलब मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्टीशन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड फुल डिस्क इनक्रिप्शन इज डिसेबल, यूजर डाटा इज नॉट इनक्रिप्टेड सो दैट यूजर लॉक्स रिमूव। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्टीशन शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर पार्टीशन शो नहीं कर रहा है, तो इसका कोई इशू नहीं है। जैसे आप यहाँ से अगर कन्फर्म करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक्सक्लूड यूजर डाटा टर्म लिख के आ रहा है। अगर ये यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर पार्टीशन शो नहीं करता, अगर नहीं होता तो मेरा यहाँ पे एक्सक्लूड यूजर डाटा टर्म लिख के नहीं आता कभी भी। तो ये कब आता, जब आपका फ्लैश फाइल हो, याद रखना। ये सारी चीजें आपको ट्रिक रहती है पहचानने की, देखने की एक तरीका होता है।
जैसा कि मेरा यहाँ पे एक्सप्लोर डम बता रहा है, तो मेरा इसमें फाइल है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे 12 GB शो कर रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फैक्ट्री इनसाइड एक बार। जैसे कि यहाँ पे डन हो गया, और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे रिसेट एक बार कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डन हो गया, और फिर आइडेंटिफाई एक बार MMC कर लेंगे हम, जैसे कि मेरा यहाँ पे 49 GB बताने लग गया, और जैसे कि 12 GB शो कर रहा था। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सिक्योरिटी फाइल्स को बैकअप किया था, हम यहाँ पे उसको सिंपली राइट कर लेंगे, जो कि मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। जैसे कि मेरा यहाँ पे C3 बेसबैंड फाइल लिख के है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाता हूँ, और यहाँ पे एक एक फाइल को मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा इसमें है ओप्पो रिजर्व 1, तो मैं ये उठा के डाल देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे ये फाइल आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 को भी डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 3 को भी डाल देता हूँ, उसके बाद ओप्पो कस्टम फाइल भी डाल देते हैं इसमें, और साथ ही साथ FRP तो नहीं डालेंगे, जैसे कि FRP, और देखो इसमें क्या है हमारा फाइल, NV डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ में फिर हम देखेंगे परसेस्ट, उसके बाद आपको देखने मिलेगा पैक 1, उसके बाद है प्रोटेक्ट 2, उसके बाद है SEC CFG, उसके बाद SEC 1, उसके बाद है प्रो इन्फो, और मेरे और कौन से पार्टीशन इसमें जो डाउनलोड रह गया एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ छूट गया तो नहीं है। तो यहाँ पे NVRAM डालना बाकी है, NVRAM भी डाल देंगे, उसके बाद CDT इंजीनियरिंग, और क्या रहे हैं इसमें भी, ओप्पो इंजीनियरिंग ओप्पो प्रोडक्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इतना ही इसमें ही फाइल है, और हम इसे सिंपली राइट कर लेंगे।
जैसे कि मेरा यहाँ पे डन हो गया और मैं आइडेंटिफाई एमएमसी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एमएमसी को यहाँ से बॉक्स से निकाल के हम फोन में फिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक एमएमसी को चेंज करके प्रोग्राम कर लिया है और अभी इसको ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं। वीडियो करीब करीब 1 घंटे के करीब हो गया फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके हमने इसको बनाया है, बट कोशिश की है पूरा आपको एक्सप्लेन करने की, हर एक सेक्शन आपको दिखाया कैसे काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है, रियलमी का लोगो, फर्स्ट लोगो आ चुका है और अभी चेक करेंगे कि सेकंड लोगो आता है कि नहीं आता है। अगर ये सेकंड लोगो तक बूट कर जाता है तो हमारा हैंडसेट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रियलमी का सेकंड लोगो आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली डन हो चुका है, जो एमएमसी हमने चेंज की है। मीडियाटेक में काफ़ी सारे एमएमसी आप चेंज कर सकते हैं जिसके हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, एक फुल प्रोसेस आपको बताया है कि एमएमसी को कैसे चेंज किया जाता है। इस वीडियो में हर एक स्टेप आपको बताया कि एमएमसी को कैसे फाइंड आउट करें, दूसरी कंफर्टेबल एमएमसी कैसे चेक करें, कहां से ढूंढें, कहां से दूसरी आईसी लेकर आए, उसमें क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, रैम कितना होना चाहिए, उसमें स्टोरेज कितना होना चाहिए, कैसे चेक करें कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एमएमसी प्रोग्रामिंग, ये तीनों मिलाकर के जब आप एक अच्छे से काम सीखेंगे तो कोई भी सेट आपके पास से वापस नहीं जाएगा, जो कि आप सीख सकते हैं फोन फिक्स HYD में। और नेक्स्ट बैच 27 मई से है, बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहो तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं, लिमिटेड सीटें होती है, 1 मंथ बिफोर आपको सीट बुक करना होता है हमारे यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये हैंडसेट फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा तो पेशेंस रखिए। और पूरा ऑन होने के बाद हमने बताया सिक्योरिटी भी इसमें आया कि नहीं आया, क्योंकि एमएमसी चेंज की है तो नेटवर्क भी आने चाहिए, क्योंकि इस तरह से कस्टमर तो ये मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता अगर उसमें नेटवर्क नहीं आते हैं। तो उसका भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर और एमएमसी क्लास में आपको सॉफ्टवेयर के टीचर आपको बताएंगे, स्पेशली कैसे आपको प्रोसेस करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड लोगो पे हमारा हैंडसेट, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मेनू ऑप्शन आ चुका है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, और ये हमारा जो प्रोसेस है सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पहले सेकेंडरी लीक शॉर्टिंग को कैसे हमने रिमूव किया, फिर एमएमसी पे काम किया, फिर एमएमसी को चेंज किया, प्रोग्रामिंग की, और वापस से आपको इसमें यह भी बताया कि ब्लैक पेस्टेड आईसी क्लीनिंग कैसे होती है। एक स्टेप बाय स्टेप एक पूरा प्रोसेस, एक पूरी केस स्टडी हमने यहाँ पे आपको बताई है और लाइव हैंडसेट रिपेयर किया है हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।